तो शहर की गतिविधियां हैं, शहर के अंदर जिस तरीके से हमारी उम्मीदें थी जो इस शहर के अंदर काम हो सकता था, वो अभी तक मैं कह सकता हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि हम वो बहुत कुछ कर पाए हैं। स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स, उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, चौटा बाजार मंडी। मंडी जिला के बड़े शहरों में शुमार। मंडी जिला में मौजूदा समय में चल रहे विकास कार्य उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं सरकार की लेट लतीफी रही है। यह बात सदर से विधायक अनिल शर्मा ने बुधवार को मंडी में कही। विधायक ने इस दौरान मंडी शहर में जारी विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। वहीं सदर विधायक अनिल शर्मा ने विकास कार्यों को लेकर जरूरी इनपुट भी अधिकारियों को दिए। क्योंकि ये मैंने आईआईटी से इसका पूरा प्लान जो है बना के रखा था। आईआईटी ने उसमें कहा था कि ये बाईपास यहाँ से बन सकता है, और उसी मद्देनज़र रखते हुए जो बाईपास के लिए पैसा दिया था, उस बाईपास के पैसे को भी इसी मॉडल के हिसाब से जो है वहाँ पर एक 300 मीटर का जो है एक पैच वहाँ बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको और इसको जोड़ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर। जिससे कि मैंने इस बात को भी कहा था कि जो हमारा सर्किट हाउस को जो हमारा टर्न है, इसके लिए भी मैंने कई बार मुख्यमंत्री से कहा, जब मैं मंत्री था उस वक्त भी मैंने प्रयास किया था कि वहाँ वाइडनिंग का काम हो जाए, क्योंकि स्कूल बाज़ार हमारा खुला हो चुका है। थोड़ा सा जगह जो प्राइवेट ज़मीन है उसमें भी कहा गया था, उस वक्त प्राइवेट जो मालिक है उन्होंने कहा कि हम देने को तैयार हैं, और कागजी कार्रवाई काफ़ी आगे तक पहुंच गई थी। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि किन कारणों से जो है वो लैंड एक्वायर नहीं हुई, और लैंड एक्वायर हो जाती तो ये हमारा ये जो एरिया था काफ़ी खुला हो सकता था। परंतु चलिए, कॉलेज का भवन है वो भी मैं उसको देखने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका प्लान मैंने अपने आप जो है तैयार करवाया था जब मैं मंत्री था, कि एंट्री पे हमारी पार्किंग बने, एक टेरेस बने और आगे जो है एक कम्प्लेक्स बने, और उसका काम जो है मैंने देखा कि अभी शुरू हुआ है, और उसी मद्देनज़र जो है मैं आज उसको भी देखने जा रहा हूँ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से जो मुझे कहा गया कि फैब्रिकेशन के माध्यम से उसको बनाया जा रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी भी है, और एक विधायक होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि उसमें यदि इनपुट को मैं दे सकूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैंने मास्टर प्लान जब बना था उसका तो मेरे ध्यान में सब कुछ था, तो उसको भी मैंने आज देखने जा रहा हूँ। तो शहर की गतिविधियाँ हैं, शहर के अंदर जिस तरीके से हमारी उम्मीदें थी जो इस शहर के अंदर काम हो सकता था, वो अभी तक मैं कह सकता हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि हम वो बहुत कुछ कर पाए हैं। वहीं अनिल शर्मा ने माना कि मंडी शहर के कांगनीधार में बनने वाला शिवधाम बेशक नया प्रोजेक्ट है, उसमें कई प्रकार के नए मंदिर आदि देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं उन्होंने सरकार को मंडी शहर में कई 100 वर्ष पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने और इन पौराणिक मंदिरों को पर्यटन के साथ जोड़ने की भी मांग उठाई। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवधाम की जो बात रखी है, शिवधाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शिवधाम हम अक्षरधाम कहते हैं, जो दिल्ली में अक्षरधाम बने हैं, दूसरी जगह बने हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट है कि नई चीज़ को हम मंदिरों को बनाएं, परंतु हेरिटेज मंदिर जो 400-500 साल पुराने मंदिर मंडी के अंदर है, उसके लिए मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि उनको भी हम इस तरीके से बनाएं कि टूरिस्ट जब आते हैं तो इन सेंचुरीज बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं उनको देखें, और टूरिज्म के माध्यम से उसको भी हम एक स्थान दे सकें। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो मंडी शहर के अंदर और हो सकते हैं। अब देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने तो मंडी के अंदर कहा था कि जो अब दरिया के अंदर इतनी बड़ी पार्किंग जो जब हम प्रधानमंत्री जी आए थे, जब वो बन सकती है तो चैनलाइजेशन को हम यदि करें, मंडी शहर के अंदर चैनलाइजेशन करें, तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास स्पोर्ट्स में और यहाँ दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। सरकार कैसे करना चाहती है, सरकार ने तय करना है। एक विधायक होने के नाते मांग करना मेरा फ़र्ज बनता है, वो लगातार मैं करता रहता हूँ, और चाहे वो प्लानिंग की मीटिंग में हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, हर मुद्दे पर मैं जो है ये बात करता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो गति यहाँ पर हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए थी वो और बढ़े, यही मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।